पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त को इनर व्हील क्लब मुरादाबाद सिविल लाइन्स द्वारा मानसरोवर स्कूल नवीन नगर में ध्वजारोहण करके मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को क्लब द्वारा फ्रूटी बिस्किट, सोया टॉफी आदि बांटे गए। उन्हें स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया गया। इस दौरान चीफ गेस्ट सोनल भाटिया रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्षा सुनीता गुप्ता, सचिव मनीता रस्तोगी रही। साथ ही शुभी रस्तोगी, रेणु सिंह, अलका गुप्ता, संगीता विश्नोई, सुनीता भदौरिया, हिमानी पाल के साथ और भी सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रगान के बाद देशभक्ति गीतों का गायन भी किया गया और सभी ने देश के प्रति अपने प्रेम को समर्पित किया। आज हमने स्वतंत्रता दिवस पूरे डिस्ट्रिक्ट ने मनाया है और मेरे को आज सुनीता जी ने अपने क्लब में बुलाया है आज फ्लैग होस्टिंग के लिए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे हमारे जो एंसेस्टर्स ने ये पर्व मनाया था, पर्व क्या, हमारे देश मेहनत करी थी अपने देश को आज़ाद करने के लिए, उसी प्रकार से हम सब मतलब जितने भी हमारे जो नागरिक हैं उन सबका कर्तव्य है कि हम आगे भी इस चीज़ को फॉलो अप करें और जो हम जिस परिस्थितियों से हम जो जूझ रहे हैं आजकल कोरोना, भगवान करे हम उस चीज़ से हम आगे निकलें। स्वतंत्रता दिवस है और आज सभी हमारे इनर व्हील सिविल लाइन से 310 से मैं प्रेसिडेंट सुनीता गुप्ता बोल रही हूँ और सभी बहनें मेरी यहाँ आई हैं आज और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को एक पर्व के रूप में मनाया है, क्योंकि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और सभी देशवासियों ने इस दिन के लिए बड़े दुख और बड़े संकट उठाए थे। आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, क्योंकि कोरोना की परिस्थितियाँ अभी इतनी ख़राब चल रही हैं कि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, पूरे देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और यही कहूँगी कि आने वाला टाइम हम सभी का अच्छा गुजरे और हम सब लोग अच्छे से रहें। इस राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को इस साल अमृत महोत्सव के नाम से मनाया गया है। प्रत्येक संस्थाएं, प्रत्येक सोसाइटी और हर एक सरकारी दफ्तर हो या संगठन हो, उसने इस वर्ष इस स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। हमारे 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस अवसर पर मैं अपने महानगरवासियों को नागरिक सुरक्षा सिविल लाइन प्रभाग की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ कि वह इस स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। भले ही हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां हैं कोरोना को लेकर, लेकिन सारी अपने अंदर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हुए इस राष्ट्रीय पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। हर छत के ऊपर एक तिरंगा अवश्य होना चाहिए ताकि हमारे देश का, हमारी राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान ऊंचा और लहराता रहे। साथियों, एक अपील इसके साथ ये भी है कि जो ये विषम परिस्थितियां चल रही हैं कोरोना काल में, उसमें भीड़ भाड़ की स्थानों से बचें, हाथों को सैनिटाइज करें और अपने बच्चों का महत्वपूर्ण रूप से ख्याल रखें, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस खुलने जा रहे हैं और इस व्यवस्था को देखते हुए हमें अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखना है। मेरी आपसे यही अपील है और एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।